डिफिकल्टीज ऑफ मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेसन स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि ये जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन इज़ द यूज़ ऑफ मॉनिट्री एंड फिजिकल पॉलिसीज टू मॉडरेट द बिजनेस साइकिल आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट डिमेंट मैनेजमेंट बिजनेस साइकिल को मॉडरेट करने के लिए मोनिट्री और फिजिकल पॉलिसी का जो यूज है इसको हम एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट भी कहते हैं इन प्रैक्टिस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हैज़ नॉट बिन टेरिबली सक्सेसफुल थोरेटिकली तो हमने डिस्कस किया कि इंडियन मॉडल में उसने सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए कैसे मोनिट्री पॉलिसी अफेक्टिव हो सकती है या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होती है शॉर्ट टर्न में लेकिन इन प्रैक्टिस दी स्टेबलाइजेशन पॉलिस आर वेरी वेरी successful. One problem is engaging how far the economy is from full employment, since we cannot measure or analyze the state of the economy perfectly. कि ये policy use करने के लिए first of all हमें ये पता होना चाहिए कि हम full employment level से कितना आवे हैं, recession में है तो कितना economy full employment level से नीचे है, और इसी तरह से अगर boom है तो वो कितना ऊपर है? तो इसको परफेक्टली मैर करना ये काफ़ी मुश्किल काम है इट कैन नाट बी परफेक्टली मैर नेक्स्ट एन अदर प्रॉब्लम इज़ डेट वी डोंट नो द क्वान्टिटेटिव इम्पैक्ट ऑन आउटपुट ऑफ अ चेंज इन पॉलिसी कि ये तो हमने कहा कि ये मनी सप्लाई को बढ़ा दें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को चेंज कर दें तो उससे किस तरह से माइक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स अफेक्ट होंगे लेकिन इसको ये डायरेक्शन तो इसी है ये कहना है कि मनी सप्लाई को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ जाएगी लेकिन कितनी मनी सप्लाई बढ़ने से कितनी आउटपुट बढ़ेगी इसको क्वांटिफाई करना ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन इजी टास्क इसी तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी बढ़ाई जाए और उसके नतीजे में उसका इम्पेक्ट कितना होगा उसको क्वान्टिफाई करना मुश्किल काम है आल्सो विकास पॉलिसीज टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट एक तो हम यानी ये क्वांटिफाई करना मुश्किल है कि कितना रिसेशन है ठीक है हम फुल इम्प्लॉमेंट लेवल से कितना अवे हैं और उसके लिए कितनी मनी सप्लाई में इजाफे की ज़रूरत है या कितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज की ज़रूरत है एक तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है दूसरा उसमें इशू ये है कि पॉलिसीज़ टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट कि ये पॉलिसीज़ आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है तो ओबियसली कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है तो उसकी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि उसकी अप्रूवल उसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें तो इट इट टेक्स टाइम कि ये 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 नहीं है कि जस्ट आप इसको बहुत क्विकली से कर सकते हैं इसका एक ड्यू प्रोसेस है उसमें से हमें गुजरना होगा सो so, पॉलिसीज़ बनाने में टाइम होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम इन्वॉल्व होता है और फिर उनका जो इम्पेक्ट होता है ओबियसली वो भी टाइम लेता है

बट आवर फोरकास्टिंग एबिलिटी इज़ क्वाइट इम्परिसाइज लेकिन ये सारे काम ऑबियसली इतने आसान नहीं है तो ये मुश्किल काम है सो so, इसकी मिसाल ऐसी है टू हीट अंग टारगेट इन अ हैवी फॉग खेत उड़ते हुए परिंदे को आप उसको टारगेट करना चाहते हैं और मौसम भी साफ़ नहीं है तो ये ये बिल्कुल उसी तरह की एक सचुएशन बन जाती है कि इकानमी के बारे में ये सारी कैलकुलेशन आपके पास मौजूद हों ये इतना आसान काम नहीं है तो इन इस सारी बात का मतलब यह निकला कि दिस प्रॉब्लम सजेस्ट डेट पॉलिसी शुडेंट बी यूज टू तो फाइन ट्यून द इकोमी बट शुड बी यूज टू तो कम बैक मेजर रिसेशन्स कि अगर बहुत सवियर किस्म के रिसशनस हैं तो उसके लिए तो फिर इन पॉलिसीज़ को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन जस्ट फाइन ट्यूनिंग के लिए जो माइनर चेंजेस हैं और उनको करेक्ट करने के लिए यह पॉलिसीज़ बहुत इफ़ेक्टिवली हम सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर सकते Okay, thank you.